गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? अभी मैं बैठा हूँ मनाली में मॉल रोड के पास, और मॉल रोड के पास HPTDC की ऑफ़िस है वहाँ पे। अब यहाँ पे किस लिए बैठा हूँ, क्योंकि मैंने एक एटिनरी बुक की है जो कि यहाँ के जो मेजर टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ पे घुमाने के लिए ले जाएंगे। तो उन्होंने 7 बजे बुलाया था और अभी 6:45 हो रहा है। इनको ऑफिस के पास आके बैठा हूँ क्योंकि यहीं से वो लेके जाएंगे हमें बस के पास, और बस से फिर आगे की सफ़र शुरू होगी। घर से चला था 3 जून को सुबह के 10:30 बजे। काफ़ी धूप थी और अभी इतनी ठंड लग रही है कि हाथ काँप रहे हैं। मैंने अपने हाथ एक पॉकेट में रखा हुआ है, दूसरा हाथ मेरा काँप रहा है कैमरा पकड़े हुए थे। और जब घर से निकला था तो उस समय 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था, और इतनी तेज़ धूप में अपने घर से ऑटो पकड़ा, और ऑटो वाले की स्पीड इतनी थी कि मानो हमसे ज़्यादा जल्दी उनको ट्रेन पकड़ने की थी। ट्रेन पकड़ना था मुझे और जल्दी थी उनको। इतनी स्पीड चला रहे थे मानो कि वो कोई बोलेरो या स्कॉर्पियो चला रहे हों। फिलहाल 3 किलोमीटर की जर्नी उन्होंने मेरे घर से जंदाहा तक की मात्र 5 मिनट में कंप्लीट करा दी। मेरे अगल बगल में 2 महिलाएं बैठी थी, उनकी तो हर हालत ख़राब हो गई थी। वहाँ 2 बार कंप्लेन भी किया उन्होंने उनके ड्राइवर को कि भाई धीरे चला दो। जैसे कंप्लेन किया वो उनकी गति रफ्तार और बढ़ गई। घर पहुंचा, जैसे ही ऑटो वाले मार्केट पहुंचा, जंदाहा बाज़ार जब मैं फंसा तो वहीं पे बस मिल गई हाजीपुर के लिए, क्योंकि मुझे हाजीपुर से ट्रेन पकड़नी थी। तो मैंने ऑटो वाले को रुकवाया और फिर पैसे दे करके बस में चढ़ गया। बस में चढ़ने के बाद हाजीपुर बस स्टैंड आया, और फिर वहाँ से मेरी बस ट्रेन थी 1:30 बजे और 1:30 बजे के आसपास। तो पहली जो ट्रेन थी वो छूट गई थी। 12:30 बजे की जो ट्रेन थी वो छूट चुकी थी। 1:30 बजे वाली ट्रेन थी वो लेट हो गई आधे घंटे, 2 बजे के आसपास आई, और कोई रिजर्वेशन नहीं थी मेरी। अमृतसर जन सेवा एक्सप्रेस ट्रेन का नाम था, नाम भूल गया था। उससे पहले वाली ट्रेन थी सईद एक्सप्रेस, जो छूट गया था मुझसे। अलग मेरे साथी थे तो उन्होंने यहाँ मॉल रोड के पास ही एक देवाधिदेव एक धर्मशाला है, तो लोग वहाँ लगभग मुझे 3 दिन के लिए रूम मिल गया, मानो फ्री में ही रूम मिल गया। 20 रुपये पर डे के हिसाब से वो रूम का चार्ज कर रहे हैं। रूम अच्छा खासा है, हालांकि वहाँ अटैच बाथरूम नहीं है, तो ठीक है 20 रुपया है रूम का, तो अच्छा ही है, फ्री है। समझो कि मनाली में आपको 20 रुपया पर डे रूम का मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा ही है। पहुँचा था मैं यहाँ पे 5 को, क्योंकि चंडीगढ़ से मनाली आना था, तो चंडीगढ़ से बस पकड़ी शाम को 6:30 बजे। और एक और चीज़ हो गई कि जब हम लोग बस पकड़ के चंडीगढ़ पहुँचे तो काफ़ी लेट हो चुका था, लगभग 6 बज गया, और मुझे लग रहा था कि 3 ही बजे हैं अभी तक। और इस वजह से मैं निश्चिंत हो गया था, सोचा कि फ्रेश व्रेश होके आता हूँ, फिर जाके बस का टिकट बुक करूँगा मनाली के लिए। फिर जैसे ही काउंटर पे पहुँचा तो वो मनाली की टिकट मिल रही थी। तो फिर मुझे लगा पिछले बार जब मैं काजा के लिए आया था तो टिकट तभी मिलती है जब बस खुलने वाली होती है, तो उससे आधा घंटा पहले टिकट बुक होना शुरू होता है। तो मुझे लगा कि अभी टिकट क्यों बुक कर रहे हैं। फिर मैंने मोबाइल निकाल करके टाइम देखा तो 6:20 हो गए थे। तो मेरी हालत ख़राब, मुझे फ्रेश होना था, तो चलो छोड़ो पहले टिकट बुक कर लेता हूँ। और टिकट बुक करके सुबह 4 को टिकट शाम में बुक किया 6:30 बजे चंडीगढ़ से मनाली के लिए, और सुबह यहाँ पे 6-7 बजे पहुँच गया। हालांकि बस डायरेक्ट थी मनाली के लिए, लेकिन वो कुल्लू में जा कर के उन्होंने छोड़ दिया। कुल्लू में कुछ देर सुबह में 4 बजे के आसपास उतारा, और फिर कुल्लू से मनाली के लिए दूसरी बस पकड़ के यहाँ आ गया। हालाँकि टिकट एक ही थी, बस चेंज कर दी थी कुल्लू में। अभी 7 बजने वाले हैं तो निकलना है बस पकड़ने के लिए। अभी तक HPTC की ऑफ़िस खुली नहीं है, HPTDC। हालांकि मुझे पता नहीं था कि जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो ही इटिनरी फिक्स करती है। तो कल मैंने उनके साथ बुक कर लिया था, लेकिन काफ़ी अच्छा 1000 में वो 5-6 जगह घुमाने के लेके जा रहे हैं। मतलब अभी 7 बजे लेके जाएंगे और शाम को 7:30 बजे सारे जगह से जहाँ भी टूरिस्टिक प्लेसेस हैं वहाँ से घुमा करके वापस लेके आ जाएंगे। फिर तो हमारे पार्टनर है वो अभी पता नहीं किधर चले गए हैं। यहाँ सामने अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक मूर्ति लगा हुआ है, ये एंड पॉइंट है, और ये रोड इधर चली जाती है हडिम्बा टेम्पल की तरफ। कल दोपहर से लेकर के शाम तक हडिम्बा टेम्पल तो पर ही रहा, कल वहीं पर दिन बिताया। और फिर 2 दिन से सो नहीं पाया था तो सवेरे शाम में आकर के ही सो गया था। खाना पीना खाया नहीं अगल बगल में और सो गया। तो खाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा महंगा खाना मिल रहा है, 200-250 रुपया पर थाली मिल रहा है। तो और इसके अलावा इस जगह पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ उसके आसपास जितने भी रेस्टोरेंट है वहाँ पे प्याज और लहसुन की सब्ज़ी बहुत कम मिलती है। काफ़ी ढूँढना पड़ा तब जा कर के है, आसपास है, लेकिन पता नहीं यहाँ पर क्या दिक्कत है। ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट है वो जैन लोग के हैं, तो वो लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं। चलते हैं, अभी बस आने वाली है, लगभग 7 बजने वाले हैं, तो देखते हैं कहाँ कहाँ वो टूरिस्टिक प्लेसेस घुमाते हैं मनाली में। वैसे तो सिसु विलेज है, अटल टनल है, 2-4 जगह नाम बताया था, मैं अभी जगह नाम भूल चुका हूँ। तो हमने जो इटिनरी बुक की है मनाली बारालाचा पास तक, हाँ बारालाचा और दारचा तक भी जाएगी बस, तो 4-5 जगह वो घुमा के लेके आएगी। और ये रही मॉल रोड में हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन, नीचे टैक्सी लगी हुई है।